नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है ट्राइमोजी। दोस्तों मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर हमें क्लियर करके बता दीजिए कि हमें अगर कोई समूह में ऐड ना करे तो हम अपना खुद का समूह कैसे बना सकते हैं। दोस्तों पहले भी मैंने इस बारे में जानकारी दे रखी है, अगर आपको वो जानकारी अधूरी लगती है तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर मेरी कोई भी बीसी सकी बहन या फिर कोई भी भाई ब्लॉक से जुड़ के काम करना चाहता है और अपना समूह क्रिएट करना चाहता है तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप्स की पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसमें सबसे पहले पॉइंट के बारे में। सबसे पहले पॉइंट में आपको करना क्या होगा, तो दोस्तों नंबर एक की बात कर लेते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप समूह जो बनाना चाहते हैं उसमें कितने लोगों को लेना चाहते हैं, क्योंकि ब्लॉक कहता है मिनिमम 10 लोग और मैक्सिमम 20 लोग उसमें होने चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको कम से कम 10 लेडीज को इकट्ठा करना पड़ेगा, और 10 लेडीज में आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि लगभग स्टेप बाय स्टेप एक घर से एक लेडीज हो, एक घर से दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर रहेगा अगर एक घर से एक लेडीज हो और वो 10 घर में कन्वर्ट हो जाए। तो इस तरीके से आपको 10 लेडीज को इकट्ठा करना पड़ेगा, जिसमें कम से कम दो लेडीज ऐसी हों जो पढ़ी लिखी हों, जो बैंक का काम कर सकें या फिर वही खाते का काम कर सकें जिसमें उनको पैसे चढ़ाने भी होते हैं, पैसे निकालने भी होते हैं। सबसे पहले तो आपको ये क्लियर करना पड़ेगा। अब आपके पास 10 लेडीज हो गई और दो लेडीज उसमें ऐसी हो गई जो पढ़ी लिखी हैं, जिसमें एक आप हो जाइए और एक दूसरी लेडीज को कर लीजिए जो वो पढ़ी लिखी हो सकती हैं। अब आपको करना क्या है, उनके आधार कार्ड और उनकी बैंक की किताब और उनके फोटो, ये सारा कुछ फोटो कॉपी करा के आपको अपने पास ले लेना है। ये सारी चीजें अपने पास रखने के बाद एक दिन आपको ब्लॉक जाना है, ब्लॉक में बीसी अधिकारी से मिलकर बात करनी है और उनसे ये कहना है कि हमें एक समूह शुरू करना है, स्वयं सहायता समूह। वो पूछेंगे कि आपके समूह का नाम क्या है। आपको एक अच्छा सा नाम सोच लेना है, वो नाम कोई भी हो सकता है, जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए बता दूं, सीमा स्वयं सहायता समूह या फिर गंगा स्वयं सहायता समूह या फिर सुषमा स्वयं सहायता समूह, इस तरीके से आप कुछ भी नाम रख सकते हैं या फिर किसी नदी पहाड़ के ऊपर कुछ भी नाम रख सकते हैं, वो स्वयं सहायता समूह में आ जाएगा। अब आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स उनको देने हैं फोटोकॉपी फाइल बना के, और वो आपको एक फॉर्म देंगे जिसमें आपको 10 फोटोज में लगाने होंगे, उनके आधार कार्ड में ये सारी कुछ फोटोकॉपी वगैरह लगानी होंगी और वहीं पे उनके सिग्नेचर वगैरह करा के और अंगूठे लगवा के आपको ब्लॉक में जमा कर देने होंगे। वहाँ से वो एक दो दिन का टाइम ले सकते हैं और उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर देने के बाद आपका बही खाता चालू हो जाएगा। फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हफ्ते में 10 रुपये से लेकर 50 रुपये तक या महीने में जितने भी आप पैसे जमा करना चाहें, 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये, वो आप पैसे जमा करके अपना खाता शुरू कर सकते हैं। जब इतने पैसे जमा हो जाएंगे तो ब्लॉक में आपको एक बार फिर से जाना पड़ेगा, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर लेने के बाद बैंक में आपका खाता खुल जाएगा। बैंक में खाता खुलने के बाद लगभग 15 दिन या 20 दिन के बाद आपको आपके खाते में 1500 रुपये आएंगे सरकार की तरफ से। वो 1500 रुपये पूरे सरकार की तरफ से आपके खाते में आएंगे। दोस्तों वो खाते में पैसे इसलिए आएंगे, जहाँ समूह की मीटिंग होती है वहाँ पे कुछ ओढ़ने बिछाने के लिए चाहिए होता है। अगर मैं उदाहरण के लिए बताऊँ, मान लीजिए आप किसी के घेर में या फिर किसी के दलान में या फिर किसी के बरामदे में कहीं पे भी आप मीटिंग कर रहे हैं 10 लेडीज़ को बिठाल के उन्हीं के घर में, तो वो जो पैसे आते हैं वो दड़ी बिछाने के लिए आते हैं, यानी कि उसकी आप दड़ी खरीद सकते हैं, उसकी आप गुल्लक खरीद सकते हैं, उसके आप पंखे खरीद सकते हैं, जो चाहें आप बीजने पंखे जो भी वो खरीद सकते हैं, ताकि उनको सहूलियत हो जाए बैठने के लिए। वो पैसा सिर्फ इसलिए आता है, उस पैसे को आपको कहीं वापस नहीं करना होता। ठीक है दोस्तों, ये इतनी हो गई जानकारी। उसके बाद दोस्तों अगर आप 3 महीने तक ये कंटिन्यू प्रोसेस चलाते हैं तो 3 महीने के बाद आपको बैंक से मिनिमम, मान लीजिए आपके अगर खाता बहुत अच्छा चल रहा है तो 1 लाख से 1.25 लाख रुपए तक ब्लॉक आपको निकलवा के देता है। कम से कम 1 लाख या फिर 1.25 लाख रुपए आपको अपने समूह में मिल जाते हैं, और समूह में पैसे मिलने के बाद आप उस पैसे का कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी से मेरा मतलब है, लाइक आप परचूने की दुकान खोल सकते हैं, आप छोटा मोटा कारोबार कर सकते हैं, आप अचार बनाने का काम शुरू कर सकते हैं, या फिर जो भी आपको करना आता हो, आप सिलाई की दुकान खोल सकते हैं, जो भी आपको करना आता हो उस पैसे का आप वो कर सकते हैं।
वो पैसे वैसे तो सब में बढ़ते हैं, लेकिन अगर आपका ग्रुप कन्वेंस करता है कि इस बार किसी और को या फिर इस बार किसी और को, तो आप वो भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन वो पैसे बराबर ब्लॉक में बराबर जमा होते रहने चाहिए, जैसे कि आप पहले से करते आए हैं। ये सुविधा आपको तभी मिलती है। शर्त ये होती है कि 3 महीने तक आपको बहुत अच्छा अपना समूह चलाना पड़ता है। तो दोस्तों ये सारी फैसिलिटी आपको मिल जाती हैं। अब बात रही दोस्तों इस पैसे का ट्रांजैक्शन कौन करता है, तो मैंने पहले ही बताया अगर आपके पास 10 लेडीज़ में 2 लेडीज़ पढ़ी लिखी हैं तो आपको एक मुख्य अधिकारी और दूसरे को अधिकारी बनाना पड़ता है जो कि ब्लॉक का काम करती हैं, यानी कि एक को समूह सखी और दूसरे को बीसी सखी बनाना पड़ता है जो कि आपके सारा कुछ ट्रांजेक्शन का काम करती हैं। एक का काम होता है पैसे लेडीज़ों से इकट्ठा करना, दूसरी का काम होता है पैसे को बैंक में जमा करना। ये दोनों काम इनके होते हैं। एक पैसे इकट्ठा करके बही खाते में बनाती हैं और दूसरी लेडीज़ पैसे को जमा करती हैं और निकालती हैं। साथ ही साथ आपको ब्लॉक से 3 ऐसे रजिस्टर भी मिलते हैं जिसमें आपको लेडीज़ की हाजिरी चढ़ानी पड़ती है, मीटिंग्स का डिटेल रखना पड़ता है और कितने पैसे वो हर हफ्ते जमा कर रही हैं वो भी डिटेल रखना पड़ता है। इसमें आपको डरने की बात नहीं है कि आपको 100, 200, 1000, 500 हर हफ्ते जमा करने पड़ेंगे। आप 10 रुपये भी हफ्ते जमा कर सकते हैं और 50 रुपये भी हफ्ते जमा कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इतना सारा काम दोस्तों सबसे पहले आपको ये करना पड़ता है। उसके बाद आपका समूह बहुत अच्छी तरीके से चलने लगता है और आपको महीने में जो 1.25 लाख रुपये मिलते हैं उसको जमा करके आप दूसरा पेमेंट ज़्यादा का भी ले सकते हैं ताकि आपको उस पैसे का अच्छे से यूज हो सके और अपना बिजनेस आप आगे बढ़ा सको। दोस्तों इसीलिए इस समूह का नाम स्वयं सहायता समूह रखा जाता है। कहने का मतलब है अगर आप एक दूसरे की ही हेल्प करेंगी तभी आप अपनी गरीबी को दूर कर सकते हैं, तभी आप अपनी कमाई को बढ़ा सकती हैं। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां हैं जो समूह बनाने के लिए काम आती हैं। अब दोस्तों बात रही अगर कोई लेडीज इसमें रूट जाती है, वो चाहती है मैं पैसे जमा नहीं कर रही है, मैं समूह से निकलना चाहती हूँ, तो बेशक वो समूह से लेडीज निकल सकती है। अगर बीच में वो समूह तोड़ती है तो डिपेंड करता है उसने कितना पैसा जमा किया है और कितना पैसा उसको आपको देना है। वो आपस में आप डिसाइड करके या तो उसको समूह से निकाल सकती हैं या फिर उसकी मर्जी है वो समूह में रहे या ना रहे। अब अगर कोई बीच में समूह में एंट्री मारती है, कोई लेडीज़ मान लीजिए आपकी जगह यहाँ पे 9 लेडीज़ रह गई तो आप 10वीं को एंट्री लेना चाहते हैं बाहर से और एक निकल गई, तो आप उसको भी कर सकते हैं। उससे बोल दीजिए कि हर हफ्ते इतने पैसे जमा होते हैं, पहली किस्त जो हमारे पास आएगी हम उसमें से तुम्हें कुछ नहीं दे पाएंगे लेकिन अगली जो किस्त आएगी उसमें आपका भी हिस्सा होगा। तो इस तरीके से उनको कन्वेंस करके उनको भी आप समझा सकते हैं और उनकी भी गरीबी मिटाने में आप उनकी हेल्प कर सकती हैं। ये सारी कुछ डिटेल्स होती हैं दोस्तों जिसमें आपको समझना चाहिए और किस तरीके से समूह काम करता है, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी होता है। और हाँ दोस्तों मेन बात, समूह की सारी लेडीज़ को बारी बारी से अपने जो समूह की मुखिया होती है ब्लॉक में जाना चाहिए और ब्लॉक में जाके सारी जानकारी उनको भी लेनी चाहिए ताकि आपको ये ना लगे कि समूह में हमारे साथ धोखाधड़ी हो रही है। और समय समय पर आपको समूह सखी के साथ बैंक में भी जाना चाहिए, कितना पेमेंट आ रहा है और कितना पेमेंट जमा हो रहा है उसकी रसीद भी आप जाके चेक कर सकती हैं। ये सारी लेडीज़ का हक होता है जो भी समूह में काम करती हैं, जो भी समूह में रहती हैं। तो आई होप दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और किस तरीके से आप समूह बना सकते हैं और किस तरीके से आप अपने समूह में जागरूक रह सकते हैं जिससे आपके साथ कोई भी धोखाधड़ी ना हो। अगर इसके अलावा आप कोई भी जानकारी चाहते हैं और अब भी ऐसा लगता है कि मैं अभी भी समूह नहीं बना सकती, मुझे कुछ और जानकारी चाहिए, तो आप हमें कमेंट करें, हम वो भी जानकारी आपको दे देंगे। और किस स्तर पे आपको जानकारी चाहिए तो वो भी हम कोशिश करेंगे आपको ब्लॉक की विजिट कराने की, तो वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा आप किस तरीके की हमसे और जानकारी चाहते हैं। आई होप दोस्तों, आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और अब आप अपना जल्दी से समूह बना के पैसा कमाना शुरू कर देंगी। तो चलिए दोस्तों, अगर आप वीडियो में यहाँ तक आए हैं तो आपको डेफिनेटली ये वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा मिलती रहें। और आज की वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद।